जी न्यूज से पवन कुमार का रिपोर्ट। अभी हम गोगरी प्रखंड के कोयला पंचायत में हैं। कोयला पंचायत के 8 नंबर वार्ड सदस्य से बातचीत करना चाह रहे हैं कि आखिर इनके पंचायत में जो समस्या है, इनके वार्ड में जो समस्या है, ये समस्या क्यों है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सुमन। क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमने है कि एक योजना मेरे वार्ड में चला है सर, 7 निश्चय के तहत। आपका योजना पूरा हो गया? जी नहीं सर, 60% राशि मिला था सर, 60% का MB बुक करा के हम 1 साल दे दिए पहले, तो 40% पैसा हमको नहीं मिला था सर, इसलिए कार्य में बाधित हुआ सर। क्यों नहीं दिया? MB करा के हम दिए, अब विभागीय हम बराबर उसको कहते रहे पंचायत सचिव महोदय को कि हमको दीजिए, हम MB जब करा दिए 60% का तो हमको राशि दीजिए, हम गरीब वार्ड हैं, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है। इसकी सूचना अपने BDO साहब को दिया है? जी सर। BDO साहब क्या बोले? BDO साहब को ठीक है, हम पंचायत सचिव को कहते हैं क्यों नहीं राशि दे रहा है, हम कहते हैं कई एक बार उनको मौखिक भी, BDO साहब भी मेरे सामने में बुला के कही, इनको जब 60% का काम कर दिया है, MB बुक हो गया है और इनका लोड भी हो गया है कंप्यूटर में, तो फिर राशि क्यों नहीं दे रहे हैं? तब से दे देते हैं करने इसी दौरान में सर ढेर समय बिता लिए। पता लगा है कि आप अपने वार्ड में इंदिरा आवास सहायक से मिल के कार्य करते हैं? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। काफी दोनों मिल के रकम भी लेते हैं? जी नहीं सर, गलत बात है सर। तो क्या सही है इसके विषय में बताइए आप। हम तो कुछ नहीं, मतलब अपना वार्ड से मतलब रखते हैं, वार्ड में जो मैंने आप कोई भी थाना का पदाधिकारी हो या कहीं कोई चिन्हित आदमी के पास आता है तो हम बता देते हैं कि हाँ वो वहाँ वो ये है, उनका घर है, चाहे बड़ा बाबू आते हैं तो हमको बताइए यहाँ क्या हो रहा है, कुछ उनको देते हैं। आपके वार्ड में जितने गरीब लोग हैं प्रधानमंत्री आवास योजना लेने लायक, क्या उनको आपने दिया है? सूची के मुताबिक जो सूची में जिसका नाम था उसको मिला है सर, उसमें जितने भी सूची में नाम था सीरियल ढंग से जो सूची था सीरियल के मुताबिक मिला है सर। BT News से पवन कुमार सिंह का रिपोर्ट।